नमस्कार, शेष भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक एक करके हम आपको तारीख बताएंगे, क्योंकि 2019 की तरह ही 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। लेकिन तारीखों का ऐलान किस तरीके से किया गया है एक एक करके आपको बताते हैं, क्योंकि पहला चरण अप्रैल 19 यानी 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, इस तारीख को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरे चरण का जो ऐलान किया गया है वो 26 अप्रैल को किया गया है, यानी 26 अप्रैल की वो तारीख होगी जब आप वोटिंग करने जा सकेंगे। इसी तरीके से तीसरे चरण का जिक्र करते हैं तो मई की 7 तारीख होगी और 7 तारीख को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। अगली तारीख आपको बताते हैं चौथा चरण, जब 13 मई की तारीख होगी और आप वोटिंग करने जा सकेंगे। पांचवें चरण की बात करें तो 20 तारीख तय की गई है, यानी मई 20। छठे चरण की बात करें तो 25 मई की वो तारीख होगी जब आप वोटिंग करने जा सकेंगे। और इसी तरीके से सातवां चरण का चुनाव होगा 1 जून को और नतीजे आ जाएंगे 4 जून को, यानी पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह भी बताया गया कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी इसी के साथ होंगे। वो 4 राज्य कौन से हैं वो भी फटाफट से आपको बता देते हैं, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। हालांकि ओडिशा के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश के लिए नोटिफिकेशन चुनाव आयोग बाद में जारी करेगा। लेकिन ये बता दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही यहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब फटाफट से आते हैं उस लोकसभा सीट पर जहां पर ये लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं जिस पर सबकी नजर होगी। इस तरीके से महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। खासतौर पर ये सीटें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन 7 चरणों में खासतौर पर इन सीटों पर सबकी नजर होगी, क्योंकि इन सीटों को जिसने जीत लिया सरकार उसकी बन जाएगी और 2024 में 4 तारीख को यह ऐलान हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। फिलहाल फटाफट से पार्टियों का भी जिक्र करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं, उसका जिक्र भी कर लेते हैं और आपको फटाफट से बता देते हैं। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस है, CPM, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, हालांकि उत्तर पूर्व में पीए संगमा की बनाई पार्टी भी है जो राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस हासिल करने वाली उत्तर पूर्व की पहली पार्टी बनी है, पहली पार्टी, ये अहम पार्टी है। और आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में मैदान में उतरी है और लोकसभा चुनाव में वोट मांग रही है। लेकिन अब आपको तय करना है कि आखिर आप किसको वोट दे रहे हैं और 4 जून को किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा बीजेपी से होगा वो तीसरी बार चुनावी मैदान में होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो इंडिया गठबंधन में कौन सा चेहरा है अभी वो तय नहीं हुआ है। खैर, लोकतंत्र का पर्व है और जनता जनार्दन होती है साहब, जनता ही तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी और आप तय करिएगा कि आखिर आप सरकार किसकी बना रहे हैं, लेकिन जरा सोच समझ कर, क्योंकि अगर सोच समझ कर सरकार बनाएंगे तो भविष्य भी आपका अच्छा होगा। फिलहाल श्रेष्ठ भारत पर तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, मुझे इजाजत दीजिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।